तो हम लोग जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है, या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स towards oxygen, or in other word you can say oxide formation, oxide formation। बहुत तरह का oxide बनता है, उसमें जो important oxides है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो group 15 elements में अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो oxide का formation करता है वो नाइट्रोजन करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है वो नाइट्रोजन करता है। उसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन जो है पी पाई बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है पी पाई बॉन्ड बना लेता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है फॉस्फोरस है और बाकी जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, इसका स्मॉलर साइज होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है नाइट्रोजन का 1+1 से +5 तक जाता है, लेकिन बाकी का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड अगर बनाता है तो वो बनाएगा कौन, नाइट्रोजन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बाकी में कम होता है, क्योंकि वो सब के पास पी पाई बॉन्ड बनाने का कोई कैपेबिलिटी नहीं होता है, वो सब डी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जिसके चलते उन लोगों का केग स्ट्रक्चर होता है, केग स्ट्रक्चर होने के चलते कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है बाकी का, तो वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा वो चेंज नहीं कर सकता है। और चूँकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो होता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि स्मॉलर साइज है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, और इसमें डी और एम टी डी ऑर्बिटल है नहीं, ये पी पाई बॉन्ड आसानी से बनाएगा, छोटा छोटा ऑर्बिटल आपस में आराम से ओवरलैप कर जाता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, जिसके चलते पी पाई बॉन्ड बनाता है, और पी पाई बॉन्ड बनाने के चलते ही नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि ऑक्सीजन भी रिलेटिवली क्या है, स्मॉलर इन साइज है, ऑक्सीजन भी रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज है, तो स्मॉलर साइज वाला जो एटम होता है स्मॉलर साइज वाले एटम के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ऑक्साइड बनता है। बाकी सब का क्या साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज तो वही छोटा ही रह गया, बाकी जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाएंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स में सबका साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा डी ऑर्बिटल आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, और बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होने के कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी ऑक्सीजन के साथ ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर ग्रुप 15 एलिमेंट डजंट फॉर्म मच ऑफ द ऑक्साइड्स, दे हैव गॉट द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, बट नाइट्रोजन हैज गॉट अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, विल डिस्कस इट नाउ। तो सबसे पहला जो है जो क्वेश्चन लेंगे वो है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, विथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम +1 to +5 व्हिच हैव no analogy
which have no analogy of phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. ठीक है, तो उसका मेन रीजन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इसी ऑफ फॉर्मिंग पी पाई बॉन्ड विथ नाइट्रोजन. ठीक है ना, नाइट्रोजन के साथ ये पी पाई जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड लिख देते हैं. पी पाई मल्टीपल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन बना लेता है, क्योंकि दोनों स्मॉलर इन साइज है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, है ना. यू हैव टू राइट आंसर इन डिटेल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू. ठीक है, तो पी पाई बनाया, शॉर्ट में हमने बता दिया पी पाई बनेगा. पी पाई क्यों बनेगा ये भी बताना है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी एटॉमिक साइज वेरी लेस है, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक साइज वेरी लेस है, इसलिए उसके एटॉमिक और वाइटल का भी साइज वेरी लेस होगा. तो वेरी लेस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा. ठीक है, तो जिसके चलते ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स बनाता है रेंज, और बाकी जो है वो सबके पास जो है एक तो पी और वाइटल के अलावा डी और वाइटल भी है जो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होता है, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग करा नहीं सकता है. दूसरा चीज़ है कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में जाते हैं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस से आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मथ, सबका जो एटॉमिक साइज है वो सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी इंक्रीज कर रहा है. ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल तो छोटा ही रह गया, लेकिन जो सेंट्रल एटम है इसका एटम का साइज बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल का भी साइज बढ़ रहा है. अब बिगर एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्मॉलर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ अच्छे से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, है ना, अच्छे से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण जो है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है अच्छे से, जिसके कारण जो है बाकी जो है वो सब इस तरह का ऑक्साइड नहीं बनाता है जैसा कि नाइट्रोजन बना लेता है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, सो दी जा द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. दूसरा ये भी है कि जो फॉस्फोरस है या आर्सेनिक है या एंटीमनी है वो सब केग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. केग मतलब पिंजरा के जैसा, केग लाइक स्ट्रक्चर मतलब पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए उसको ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है. ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड ही रह जाता है, मल्टीपल बॉन्ड में आ नहीं पाएगा वो. ठीक है, क्योंकि उसमें डी पाई का इन्वॉल्वमेंट हो गया जिसके कारण वो केग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. क्लियर, ओके. दूसरा देखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर. अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ये है तो ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम नाइट्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर किया गया. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, यही है हमारा लाफिंग गैस N2O. ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये दोनों जो है न्यूट्रल है, लगभग न्यूट्रल है. ठीक है, न्यूट्रल ही है लगभग. उसके बाद जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर इसमें आता है, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर नाइट्रोजन पेंटोक्साइड में है. ठीक है, तो ये जो एसिडिक कैरेक्टर इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन के केस में, क्यों इंक्रीज कर रहा है ये देखना पड़ेगा हमको. तो इसमें हम लोगों को फजन्स रूल याद करना पड़ेगा, क्लास 11 में पढ़ाए थे. ठीक है ना,
पॉइजंस रूल याद रहेगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 है, ठीक है। और इस ऑक्सीडेशन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +5 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। तो फजन रूल क्या बताया है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेम एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रहा है तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल एटम का इंक्रीज कर रहा है, तो फजन रूल क्या बताता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू मोर पोलराइजेशन। जेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन जब ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जब बढ़ता है तो हमको मालूम है एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। इसीलिए विद द राइज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बिकॉज द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज विद द राइज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव फील्ड बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, तो प्लस पे ही है ना। तो इस यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव फील्ड बढ़ रहा है। और जब पॉजिटिव फील्ड बढ़ेगा तो जब ये पानी के साथ इंट्रैक्ट करेगा तो जो पानी में OH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा जब इफेक्टिवली, तो H+ आसानी से रिलीज करेगा। तो इस अगर इस हिसाब से भी एक्सप्लेन करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है अब देखते हैं, ये H यही वाटर है ना, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से कोई भी इसके पास आया, मान लो कि इसके पास कौन आ गया, सबसे ज़्यादा है N2O5, मान लो इसके पास आ गया N2O5 आ गया, तो ये जो नाइट्रोजन है इस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। ये जो नाइट्रोजन है अपने तरफ सबसे ज़्यादा खींचेगा क्योंकि इसके ऊपर +5 है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा वो पुल करेगा अपने तरफ। जैसे ही पानी में इसको हम मिलाएंगे, जैसे ही नाइट्रोजन पेंटोक्साइड को पानी में मिलाएंगे, वाटर का जो वो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खींच लेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कौन खींचेगा, ये +5, उससे कम इफेक्टिवली ये खींचेगा, उससे कम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, उससे भी कम ये खींचेगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर का जो ऑक्सीजन है उससे दूर होगा तो H+ रिलीज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तरफ आएगा तो ये बॉन्ड जो है इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर, और यहाँ से ये H+ निकल जाएगा।
फिर ये H प्लस रिलीज करेगा। ये जो H प्लस रिलीज करेगा, ये जो H प्लस रिलीज करेगा सबसे आसानी से H प्लस किस में रिलीज करेगा, ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा रिमूव कर पाएगा, यही सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा। उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करने वाला यहाँ है, उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करने वाला यहाँ है, उससे भी कम यहाँ है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव होगा वही तो H प्लस सबसे जल्दी रिलीज करेगा, और जो H प्लस रिलीज करता है उसको हम एसिड बोलते हैं। जो जल्दी H प्लस रिलीज करता है, आसानी से रिलीज करता है, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो सबसे जो इफेक्टिवली स्ट्रांगली जो H प्लस रिलीज करेगा वो N2O5 करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसी का होगा और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर इसका होगा। ये दोनों तो लगभग न्यूट्रल ही है। तो दो तरीका है, ये दोनों कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट तुमको पसंद आ जाए उससे एक्सप्लेन कर सकते हो, जो तुमको आसान लगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट हो गया कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है फजन रूल्स के हिसाब से, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है फजन रूल के हिसाब से। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इलोंगेशन होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो प्लस फाइव है सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन उसमें होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उस प्लस फाइव वाले में होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और प्लस वन वाले में सबसे कम होगा एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि इलोंगेशन ना के बराबर होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है उद द राइज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन का। इसी तरह से फॉस्फोरस का भी ले सकते हैं, दूसरे का भी ले सकते हैं। उद द राइज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट सबका जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड का तो एसिडिक कैरेक्टर रहता है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का और फॉस्फोरस के ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोनों जगह सेम एक्सप्लानेशन दे सकते हैं, जो एक्सप्लानेशन यहाँ दिए। तो दो तरह से एक्सप्लानेशन मिला, एक तो हुआ कि कोवेलेंट कैरेक्टर को दिखाए कि इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बताया किसके अकॉर्डिंग टू फजन्स पढ़ लोगे। और यहाँ पर ये दूसरा कॉन्सेप्ट दिए कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, पॉजिटिव फील्ड बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव फील्ड होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खींच लेगा अपने तरफ। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा बगल वाले बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा, तोड़ देगा और H प्लस को रिलीज कर देगा। OH बॉन्ड है वाटर में, OH बॉन्ड से H प्लस को निकालना है, जो जितना जल्दी उस H प्लस को रिलीज करवा देगा वो उतना एसिडिक है। तो प्लस फाइव वाला जल्दी H प्लस रिलीज करा देगा इसलिए ज़्यादा एसिडिक, प्लस वन वाला उस H प्लस को रिलीज कराने बहुत दिक्कत होगा इसलिए लीस्ट एसिडिक हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगली बार जो ग्रुप 15 का डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे थे, इसके पहले हमने सिर्फ नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स को कंपेयर किए, अभी क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स जो ग्रुप 15 है उसके एलिमेंट को कंपैरिजन करेंगे कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और कम होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, क्योंकि हमने सेम एलिमेंट रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखेंगे तो कंपैरिजन ठीक से होगा, ठीक है। वहाँ पर सेम एलिमेंट था तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट था, अब यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट को हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो इसमें सब जगह ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ज़रा देख लो, ठीक है। अब जो है इसमें याद रखना है, ये दोनों लगभग इम्पॉर्टेंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट, मतलब ये दोनों एसिडिक है, वो दोनों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों है उसके पास, तो उसको हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए क्या है, हर जगह देखो, यहाँ पर प्लस थ्री है,
इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, और यहाँ इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, इसका भी ऑक्सीडेशन, सब सारे का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है सारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हम लिए हुए हैं यहाँ पर, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, प्लस थ्री है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बहुत पहले बता चुके हैं इसलिए निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, अब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अब यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर को जो हम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे ग्रुप 15 में तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप 15, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी बेसिक कैरेक्टर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन जब हम एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो केटायन भी इंक्रीज करेगा। तो केटायन का जो साइज होगा वो भी इंक्रीज करेगा, केटायन का साइज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज तो सब जगह सेम है और ऑक्सीजन क्या होता है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एनायन है, ऑक्सीजन यहां पर क्या है, एनायन है, ये जो एनायन है स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज। अब हम लोग कल या परसों एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो यहां पर जो बॉन्डिंग होगा क्या होगा, लार्जर केटायन इंटरैक्ट विथ अ स्मॉलर एनायन, ये भी फजन रूल ही है, लार्जर केटायन इंटरैक्ट कर रहा है यहां पर स्मॉलर एनायन के साथ, लार्जर केटायन जो इंटरैक्ट कर रहा है स्मॉलर एनायन के साथ, तो पूरे में तो ऑक्सीजन ही है, ग्रुप 15 में सब ऑक्साइड ही है तो एनायन का साइज तो स्मॉलर रहा ही, लेकिन केटायन का साइज तो बढ़ रहा है। तो जब लार्जर केटायन होता है और स्मॉलर एनायन के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, कल या परसों बताए थे हम, ये भी फजन रूल ही है, ये भी फजन का कॉन्सेप्ट ही है, फजन्स रूल ही है जो ये बताता है कि लार्जर केटायन अगर स्मॉलर एनायन के साथ इंटरैक्ट करे तो उसमें आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर केटायन का साइज कंटिन्यूसली टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है ग्रुप 15 में, केटायन एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो केटायन का साइज भी बढ़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर बिगर केटायन है, केटायन जो हमें स्लोली एंड स्लोली वो बढ़ते जा रहा है, बिगर केटायन स्लोली एंड स्लोली होता जा रहा है, तो केटायन का साइज तो बड़ा होता है और स्मॉलर रहता है एनायन, उसी में हो जाता है उसमें आयनिक कैरेक्टर आने लगता है, और भी यहाँ पर साइज बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो लार्जर केटायन है स्मॉलर एनायन के साथ इंटरैक्ट करता है तो क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो आयनिक कैरेक्टर जब इंक्रीज करेगा तो अब यहां पर पता चल गया कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज,
ठीक है, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो जब कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। तो यही तो हमको सीखना था, यही पता है एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। आई बात समझ में, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता गया, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता गया, बस इस दोनों में आ गया इम्पोट्रिक कैरेक्टर, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया इसमें और एसिडिक कैरेक्टर साथ में है, तो हो गया एम्पोट्रिक इन नेचर। ओके, अब हम लोग फिर से एक बना लिए, ठीक है। इस बार पेंटोक्साइड को हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, पेंटोक्साइड को कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी क्या किए थे, ट्राईऑक्साइड को कंपैरिजन किए थे जस्ट, उसमें देखे कि एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज करता है। उसमें क्या देखे, ट्राईऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप 15। अब हम लोग पेंटोक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखे डाउन द ग्रुप क्या होता है। इसका भी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज ही करेगा, पेंटोक्साइड का भी, क्योंकि सबका तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो केटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो केटायन तो हो गया लार्जर होते जा रहा है, सक्सेसिवली लार्जर होते जा रहा है, लेकिन एनायंस जो है ऑक्सीजन ही है वो तो स्मॉलर इन साइज है, वो स्मॉलर हो गया, तो यहाँ लार्जर केटायन और स्मॉलर एनायन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वही एक्सप्लेनेशन है जो पीछे वाला है, सेम क्वेश्चन सेम है, वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो एक्सप्लेनेशन सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, केटायन का साइज इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है वो स्मॉलर ही रहेगा, तो लार्जर केटायन स्मॉलर एनायन के साथ इंट्रैक्ट करेगा, और फजन कहता है कि लार्जर केटायन जब स्मॉलर एनायन से इंट्रैक्ट करता है तो उसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है, और जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और जब कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये पता चल गया कि यहाँ भी एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है। जब देखो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन वही होगा जो अभी लास्ट में दिए थे, क्या होगा एटॉमिक साइज क्या होगा इंक्रीज करेगा, तो केटाइन भी इंक्रीज करेगा, तो अब एक्सप्लेनेशन हम बता ही दिए पिछला, वही एक्सप्लेनेशन होगा जिस तरह से सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी अप्लाई करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, तो एटॉमिक साइज, केटाइनिक साइज, एनायनिक साइज, फिर फजन्स रूल अप्लाई करो, ठीक है, पता चलेगा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, ऑक्साइड्स हैविंग एलिमेंट्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम लेस स्टेबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, कोई भी एलिमेंट चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे फास्फोरस का हो, चाहे आर्सेनिक का हो, किसी का भी हो, किसी भी ग्रुप 15 के कोई भी एलिमेंट्स का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन आएगा, +5 आएगा, ठीक है ना। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो उस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाता है,
इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने के चलते जो होता है उसका स्टेबिलिटी कम हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, सब शुरू में एक्सप्लेन कर चुके हैं क्यों उससे होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने के चलते ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल हो जाता है। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगा तो उस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड बना हुआ है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ग्रुप 15 एलिमेंट में जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ऑक्साइड्स जो होता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्साइड्स है वो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं उसका जो है स्टेबिलिटी घटने लगता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होने के बाद उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, उसके कारण भी जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसलिए टॉप टू बॉटम जब आएंगे ग्रुप 15 में तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं अच्छे से नहीं क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो है ये दोनों तो एक हो गया, दूसरा हो गया ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब हुआ क्राउडिंग, क्राउडिंग होने के चलते जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है। ठीक है, उससे भी स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लिया जनरल ट्रेंड। अब हम लोग स्पेसिफिक ऑक्साइड के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।